तो हमें इसे इंटीग्रेट करना है ई टू द पावर एक्स इंटू दिस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको लिख सकेंगे ई टू द पावर एक्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर को ओपन कर दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, और डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx। सेपरेट कर दें, तो जब आप सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि ये इसका डेरिवेटिव है, तो आंसर वो आएगा। लेकिन आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो थोड़ा आपको इसको शो ऑफ करके दिखाना चाहिए, ई टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल सेपरेट कर दें, आप लोग भी कोशिश करिए, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, और वी शैल अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 2x सेकेंड इंटीग्रल लिख रहे हैं, 2x ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx। अब फर्स्ट सेकेंड के लिए रूल लगा दें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ, और इंटीग्रल के अंदर dx ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहीं पे लिख दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू dx। सेकेंड वाले को तो मालूम है आपको टच नहीं करना है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स माइनस, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस विल बी -1 × 1 + x² - 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 + x² विच इज 0 + 2x। इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 2x ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 + x² होल स्क्वायर dx। अब ये दोनों कैंसिल होंगे, आपको दिख भी रहे होंगे, ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 + x² प्लस, इसको ठीक से लिख दें थोड़ा, 2x ई टू द पावर एक्स 1 + x² होल स्क्वायर dx माइनस 2x ई टू द पावर एक्स 1 + x² होल स्क्वायर dx। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, तो फाइनली द इंटीग्रेशन इज दिस। अब हम नेक्स्ट इंटीग्रल, बहुत बहुत पॉपुलर इंटीग्रल है, उस पर बात करते हैं।